प्रथम तहलका न्यूज। गलवान घाटी पर चीन और भारतीय सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में जहां 20 भारतीय जवान शहीद हुए, तो वहीं उसके बाद पूरे देश में चीन का विरोध भी शुरू हो चुका है। दरअसल पानीपत की सभी औद्योगिक संस्थाओं ने चीनी सामान और मशीनरी का बहिष्कार करते हुए सब शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि सभी 32 संस्थाओं ने एक होकर निर्णय लिया कि चीन के सभी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वही मामले में एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सचिव वैभव पालीवाल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है, जिसकी शुरुआत पानीपत से हुई है। चाइना की इंडस्ट्री ने भारत की इंडस्ट्री को तबाह किया है और पानीपत शहर इसका सबसे बड़ा गवाह है। उन्होंने कहा कि पानीपत की सभी औद्योगिक संस्थाओं ने मिलकर निर्णय लिया है कि चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। पानीपत से इसकी शुरुआत हुई है। चाइना की इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर चुकी है और पानीपत शहर उसका सबसे बड़ा गवाह है। इसीलिए आज सभी पानीपत एक्सपोर्टर की या पानीपत की जितनी व्यापारिक संस्थाएं हैं आज यहां इकट्ठी हुई और ये निर्णय लिया गया कि हम चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको नहीं खरीदेंगे। उनको बनाने के लिए अपने यहां मशीनरी तैयार करेंगे, उसके लिए चाहे हमारे को पैसा ज़्यादा देना पड़े, समय ज़्यादा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अब तो मरने और कटने और आखिरी डू एंड डाई वाली स्थिति है और उसके लिए सभी संगठन संगठित हैं। वही नॉर्थ इंडियन रोटर स्पिनर एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने कहा कि भारत और चीन बॉर्डर पर जहां 20 जवान शहीद हुए, उसको लेकर सभी उद्योगपतियों में रोष है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने एटॉमिक हमला किया था, तो जापान ने अमेरिका की सभी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और जापान आज भी उस कसम को निभा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था पर धावा बोलना पड़ेगा। महात्मा गांधी का नारा बी इंडियन बाय इंडियन, महात्मा गांधी के नारे को आज सार्थक सिद्ध करना होगा। आज शहर के सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की पदाधिकारियों की मीटिंग थी और जो आपको पता ही है बॉर्डर पे हुआ, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, पूरी इंडस्ट्री में सब लोगों में पूरा रोष है। उस रोष को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें सब ने आके अपना इरादा जाहिर किया भी, जैसे जापान ने किया था अमेरिका के साथ। जब अमेरिका ने जापान वर्ल्ड वार में उस पर एटॉमिक अटैक कर दिया था, तो जापान ने उस दिन कसम खा ली थी भी हमने अमेरिका का एक सुई तक नहीं लेनी है और उस कसम को आज तक निभाता आ रहा है। तो हमें भी उसी तरीके से जो कुछ हमारे साथ हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता जो चाइना ने हमारे साथ किया, और हमें भी उस पर उसके अटैक करना है तो उसकी इकोनॉमी को ही लाना पड़ेगा। उसकी इकोनॉमी को ही लाने का एक ही तरीका कि जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ रहे हैं उन सारों का बाइकाट किया जाए और इंडिया को सफिशेंट किया जाए कि वो सारे प्रोडक्ट हम इंडिया में बनाएं, चाहे हमें महंगे पड़े चाहे हमें सस्ते पड़े। हमें बी इंडियन एंड बाय इंडियन जो महात्मा गांधी का नारा था वो आज सिद्ध साबित करना। वही फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन चैम्बर के सचिव जय भगवान अग्रवाल ने कहा कि चीन ने एक बार फिर धोखेबाजी की है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान का शहीद होने पर हमें दुख है और हमें चीन के सभी सामान का बहिष्कार करना होगा। एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि चीन जो है धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज रहेगा। उसने धोखा दिया है हमारे साथ, हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ये गर्व की बात है कि वो मारते हुए मरे हैं, अपने से ज़्यादा उनके मारे हैं, ये गर्व की भी बात है, लेकिन अपने शहीदों का हमें दुख है और उसके लिए हम यहाँ पे एक तो हमने मौन के रूप में रख के श्रद्धांजलि दी है और आगे एक प्रण किया है कि सरहद पे तो हमारी सेना लड़ रही है और यहाँ हम सारे इंडस्ट्रीज एक साथ मिल के प्रण कर रहे हैं कि पहली बात तो जो ऐप्स हैं सबसे पहले तो सब डिलीट कर दें, और सब ने सहमति जाहिर की है कि सब अपने ऐप्स डिलीट कर देंगे, जितने भी चाइनीज ऐप हैं अपने मोबाइल से डिलीट करेंगे। दूसरा फिर जो सामान का बहिष्कार करेंगे, देखिए जो बना हुआ सामान है उसका सामान का बहिष्कार एकदम से हो सकता है, जो मशीनरी है उसके धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, एकदम से नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन आएंगे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर यह फैसला हो गया है कि हम चाइनीज सामान का पूर्ण रूप से बायकॉट करेंगे, फेज वाइज बिल्कुल मशीनरी को भी हम आउट कर दें। वही इस मामले में ढाई एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने कहा कि सभी 32 संस्थाओं ने फैसला लिया है कि देश हित में चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए,
जिसके लिए वो सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि चीन के सामान पर 5-6% टैक्स बढ़ाकर जर्मनी और इटली की मशीनों को बढ़ावा दिया जाए। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसा माहौल बनाए कि हिंदुस्तान में ही सभी मशीनें बनाई जाए, ताकि हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। लगभग 32 एसोसिएशंस आज इकट्ठी हुई हैं और सब ने निश्चित रूप से फैसला लिया और खुशी होकर आए हैं, और बल्कि हमारे कहीं तो नाराजगी जाहिर की है कि हमारे सेक्रेटरी क्यों नहीं आए, हमारे कैशियर क्यों नहीं आए, कि हम देश हित में क्या कर सकते हैं और चाइना के नुकसान के लिए हम उसके माल को कैसे बिक्री को रोक सकते हैं, उसकी मशीनों को कैसे रोक सकते हैं। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि 5-6 गुना उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, और जो हमारी मशीन उसके अलावा कोरिया से आती है, उसके अलावा हमारी इटली से बहुत आती हैं, हमारी जर्मनी से आती हैं, उन मशीनों का बढ़ावा दें। और सबसे ज़्यादा बढ़ावा हम इंडिया गवर्नमेंट से ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा माहौल पैदा करें कि अब सारी मशीनें यहाँ बननी स्टार्ट हो जाए। देखिए, चाइना का प्रोडक्ट तो खरीदना हमें बहुत कम कर दिया है, अगर आप देखो तो पहले से कम हुआ है, एक साल के अंदर सिर्फ मशीन आ रही हैं, तो क्यों ना मशीन का झटका भी आज दे चाइना को और इंडिया पे बनाना दे। देखो, ये करना पड़ेगा सरकार को भी साथ मिलके, ये चाइना ने करके दिखाया था, पहले उनकी आर्मी ने मशीनें खरीदी थी, आर्मी ने मशीन बना के उनकी, मैं मिला वहाँ चाइना में, मैं भी गया था, उन्होंने मशीन खोल के दिखाई थी आर्मी ने, और आर्मी ने सिखाई लोगों को ऐसे मशीन बनाते हैं, उनकी टीम ने सिखाई, तब उनके लोगों में ऐसी मशीन बननी शुरू हुई। दरअसल चीन की इस हरकत के बाद देश के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते सबने चीन के सामान का बहिष्कार करने का मन भी बना लिया है और गांधीवादी रणनीति पर चलने की ठान ली है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।